तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का नाम नहीं लिया, लेकिन हमले के अंदाज से साफ हो गया कि निशाना किस पर है। गालियों देता है लोग, फिर रोता भी हूँ। गालियों देता हूँ के फिर रोता भी हूँ। हम कुछ नहीं बोल रहे। पप्पू यादव पर तेजस्वी ऐसे तीखे हमले उसी पूर्णिया में कर रहे हैं, जहां पप्पू ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती को हराने की कसम खा रखी है। तेजस्वी जी को दो बार डिप्टी सीएम रहे, उन्हें ये बताना चाहिए तो उन्होंने पूर्णिया मधेपुरा के लिए क्या किया, सुपौल के लिए क्या, उनकी कोई एक योगदान है या नहीं डेवलपमेंट। पप्पू यहां से निर्दलीय मैदान में है और आरजेडी की चुनौती बढ़ा रहे। वोटिंग 26 अप्रैल को है और उससे पहले तेजस्वी ने पप्पू पर तूफानी हमले की बौछार कर दी है। हम बताने जा रहे हैं कि बीजेपी वाला हमको कितना तंग कर रहा है। कभी भी लालू जी मेरे आंख से आंसू थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। अरे मेरा पार्टी का, हम अपना पार्टी का टिकट बांटेंगे, आपका पार्टी का लड़ते अपना पार्टी से, क्या ना कांग्रेस में दिया। तो आरजेडी ने पूर्णिया सीट को सीधे सीधे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। तेजस्वी यहां लगातार कैंप कर रहे, धुआंधार जनसभाएं कर रहे हैं और हर जगह वोटरों को पप्पू से बचकर रहने की नसीहत दे रहे। बाबा करोड़ टिकट नहीं मिला, हमको नहीं मिला तो ये नहीं मिला, उन्हें मिला। रे भाई, आपको आपकी चिंता है, हमको अपने मुल्क की चिंता है। पूर्णिया की जंग जुबानी हमले से होते हुए साजिश वाले कथित टेप तक पहुंच गई है। तेजस्वी ने भरे मन से सावधान करते हुए कहा कि पप्पू की सच्चाई एक रिकॉर्डिंग में कैद है और ज्यादा फोर्स किया तो सब सामने ला देंगे। वो तो कुछ भी बोलेंगे बाबा, लेकिन हम तो उनको पहचानते थे कैसे आदमी, तो रिकॉर्डिंग तो रखना करते हैं, लेकिन ये सब हल्का काम हम नहीं करते, हल्का काम नहीं करते, ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, मगर फोर्स करेंगे सब निकल जाएगा। क्या क्या डील करना चाह रहे थे, क्या क्या साजिश थी, क्या क्या बाप। इधर तेजस्वी ने पूर्णिया में कैंप कर रखा है तो उधर सारण में लालू यादव बेटी रोहिणी को जिताने के लिए यहां पर जमे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं में वो जोश भर रहे हैं जिससे यहां की जंग दिलचस्प हो चुकी है। अगर बेरोजगारी खत्म हो जाता है मेरे परिवार को, मेरी बहन बेटियों को, चाहे मुझे गाली दे करके, तो आप डेली भर भर झोली दीजिए हमको गाली, लेकिन देश से बेरोजगारी मिटाइए, भ्रष्टाचार मिटाइए, बलात्कारियों को बाहर कीजिए। जो प्रत्याशी जिनके बारे में आप नाम ले रहे हैं, अगर वो उनकी बेटी नहीं होती तो एक आदमी भी उनको पहचानता। सारण में पांचवे दौर में 20 मई को वोटिंग होनी है, यानी अभी प्रचार की रफ्तार और भी तेज होने वाली है।